Assalamu alaikum and good morning to all of you. How are you all? Hope so that you are fine and good and you are also taking all the precautionary measures which is very mandatory. Okay students, in the previous lecture we have started our new chapter and we have done the रीडिंग. हमने रीडिंग की थी, हमने अपना नया चैप्टर स्टार्ट किया था, ठीक है. और मैंने आपको रीडिंग करवाई थी. सो नाउ ओपन योर बुक, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. अपना चैप्टर कंटिन्यू करते हैं. ओके, ओपन योर बुक्स, ओपन पेज नंबर 17. ओके, वी हैव रेड द चैप्टर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. हमने चैप्टर पढ़ा था माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एंड वी हैव कंप्लीटेड वन हेडिंग, टू हेडिंग सॉरी, बैक्टीरिया एंड फंगी. ओके, वी हैव रेड अबाउट व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वी हैव रेड बैक्टीरिया एंड वी हैव रेड अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, व्हाट इज फंगी एंड व्हाट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ फंगी. नाउ कम टू द हेडिंग ऑफ वायरसेस. ओके, वायरसेस की हेडिंग पर आ जाएं हम. ओके, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. वॉच द केयरफुली एंड बी केयरफुल वाइल आई एम रीडिंग. ओके, बी केयरफुल, केयरफुली देखिए, मैं रीडिंग कर रही हूँ, मैं अंडरस्टैंडिंग करवाऊँगी. और क्योंकि क्वेश्चन आंसर समझने के लिए अंडरस्टैंडिंग मस्ट है, सो बी केयरफुल. वायरसेस, द वर्ड वायरस मीन पॉइजन. वायरस का वर्ड जो है उसका मतलब है पॉइजन, जहर. वायरसेस आर इवन स्मॉलर देन अ बैक्टीरियम. एक वायरस जो है बैक्टीरिया से, सिंगल बैक्टीरिया होता है और प्लूरल, सिंगल बैक्टीरियम होता है और प्लूरल बैक्टीरिया कहा जाता है. सो एक जो वायरसेस हैं वो बैक्टीरिया से छोटे होते हैं. दो वायरसेस आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म. अगरचे वायरसेस जो हैं वो क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. दे आर ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग. वायरसेस जो हैं वो बॉर्डर लाइन है लिविंग और नॉन लिविंग की, ठीक है. देखिए, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के दरमियान बॉर्डर लाइन है कौन, वायरसेस. वायरसेस अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, जब कंडीशंस फेवरेबल नहीं होती, सूटेबल नहीं होती, आर इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स. वायरस किस फॉर्म में पाए जाते हैं, क्रिस्टल्स की फॉर्म में पाए जाते हैं, विच मेक्स दैम नॉन लिविंग थिंग, जो उन्हें नॉन लिविंग थिंग पे कंसिडर करवाता है, ठीक है. जो उन्हें नॉन लिविंग थिंग बनाता है, क्रिस्टल क्या है, नॉन लिविंग थिंग है. तो जब कंडीशंस अनफेवरेबल होती है, यानी कि सूटेबल्स नहीं होती कंडीशंस वायरस के एग्जिस्टेंस के लिए, तो वो किस फॉर्म में पाया जाता है, क्रिस्टल की फॉर्म में पाया जाता है. जो क्रिस्टल क्या है, जो एक नॉन लिविंग थिंग की करेक्टरिस्टिक्स है, जबकि जब फेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो वो क्रिस्टल की फॉर्म में नहीं पाया जाता, ठीक है. इसलिए वायरस को क्या कहा जाता है, वायरस क्या है, बॉर्डर लाइन है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग की, ठीक है. अ वायरस अटैक्स लिविंग सेल. वायरस क्या करता है, लिविंग सेल्स पर अटैक करता है एंड यूज देयर केमिकल मशीनरी टू कीप इटसेल्फ अलाइव. और उसकी केमिकल मशीनरी को इस्तेमाल करता है अपने आप को जिंदा रखने के लिए एंड टू रिप्रोड्यूस इटसेल्फ, और अपने आप को पैदा करने के लिए. एक्टिंग एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और एक्ट करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के तौर पर. देखिए, रिप्रोड्यूस करना किसके करेक्टरिस्टिक्स है, लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं नॉन लिविंग थिंग, लाइक ये पेंसिल. अगर इस पेंसिल को मैं 10 डेज भी रखूँगी या 1 ईयर भी रखूँगी तो ये पेंसिल एक ही रहेगी, जबकि लिविंग थिंग क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक, रिप्रोड्यूस पैदा करते हैं अपने जैसे लिविंग थिंग. तो ये किसकी करेक्टरिस्टिक होगी, लिविंग थिंग की. और जब वो क्रिस्टल फॉर्म में होगा तो वो किसकी फॉर्म में था, नॉन लिविंग थिंग. सो इट इज़ द बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग. वायरसेस कॉज मैनी डिजीजेज इन प्लांट एज वेल एज इन एनिमल्स. वायरस जो है वो प्लांट और एनिमल दोनों में डिजीज कॉज करते हैं, बीमारियाँ पैदा करते हैं. कॉमन कोल्ड, जो आपको कॉमन कोल्ड यानी कि नज़ला जुकाम जो होता है वो, इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स, मीजल्स, पोलियो, हेपेटाइटिस एंड एड्स आर द ह्यूमन डिजीजेज. ये सारे डिजीजेज के नेम हैं जो इंसानों में पाए जाते हैं, विच आर कॉज बाय वायरस, जो वायरस की वजह से होते हैं. कौन से, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स, मीजल्स, पोलियो, हेपेटाइटिस एंड एड्स. दीज आर द डिजीजेज विच इज कॉज बाय वायरसेस. द मोस्ट कॉमन वायरल डिजीज इन प्लांट्स इज टोबैको मोजेक डिजीज. ओके, जो मोस्ट वायरल डिजीज़ है जो प्लांट में पाया जाता है, उस वो डिजीज़ कौन सा है, टोबैको मोजाइक डिजीज़, ठीक है. उस डिजीज़ का नाम है ये, ठीक है. जैसे यहाँ पर हेपेटाइटिस और पोलियो डिजीज़ का नाम है, इसी तरह प्लांट के डिजीज़ के नाम है.
Okay, here is a diagram of figure 3.3, what it is about. All around the world, children are given vaccination in order to protect them from different viral or bacterial diseases. यानी कि पूरी दुनिया में बच्चों को क्या दिया जाता है, वैक्सीनेशन दी जाती है, वैक्सीनेशन की जाती है बच्चों की. क्यों की जाती है? उनको महफूज रखने के लिए डिफरेंट वायरल और बैक्टीरियल, यानी कि उनको बैक्टीरियल और वायरल डिजीजेज से बचाने के लिए क्या किया जाता है, वैक्सीनेशन की जाती है. ओके, नेक्स्ट, हाउ डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे एंटर होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन एंटर ह्यूमन बॉडी थ्रू एयर, वाटर, कंटामिनेटेड फूड, एनिमल्स एंड कट्स प्रेजेंट ऑन द स्किन. ओके, कैसे एंटर होते हैं? थ्रू एयर. एयर से कैसे एंटर होंगे? आपके नोज के थ्रू. आप सांस लेंगे तो आपकी नाक के जरिए हवा, हवा से वो जो वायरसेस हैं वो आपकी सांस की नाली में चले जाएंगे. आजकल जैसे कोरोना वायरस है वो आपकी नोज़ के थ्रू सांस लेने से, तभी तो आप अंदर जा रहे हैं, आपकी बॉडी में लंग्स में चला जाता है. ठीक है, इस थ्रू एयर ही स्प्रेड हो रहा है. ठीक है, इसलिए हम कहते हैं मास्क वेयर करें, अपने हाथ पांव साफ, हाथ साफ रखें. ठीक है, क्यों? आप टच करेंगे नोज़ वगैरह को, माउथ वगैरह को, तो आपकी बॉडी के अंदर जाएगा. ओके, वाटर कन वो गंदा पानी पियेंगे, अगर वाटर में वायरस होगा तो आप पानी पियेंगे तो आपकी बॉडी में चला जाएगा. कंटामिनेटेड फूड, अगर आपकी जो फूड है उसमें वायरस होगा, अगर फूड में पॉइजन मिला दिया जाए, फूड खाओ तो आपकी बॉडी में पॉइजन चला जाता है. इसी तरह अगर आपके फूड में वायरस होगा, कंटामिनेटेड होगी, आलूदा होगी आपकी फूड, तो उससे भी वायरस आपकी बॉडी में जा सकता है. एनिमल्स, ठीक है, आप पैट एनिमल्स रखते हो, अगर उसको वो वायरस है तो वो आपकी बॉडी तक ट्रांसफ़र हो सकता है वायरस. ठीक है, एंड कट्स प्रेजेंट ऑन द स्किन, आपकी स्किन पर अगर कोई भी कट होगा, अगर आपकी ज़ख्म होगा, कट प्रेजेंट होगा, तो उसके थ्रू आपकी बॉडी में जा सकता है. ओके, नाउ हियर इज़ द डिटेल. एयर, एयर टेक्स द जर्म्स फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर. ओके, टू द अदर. एयर क्या करती है? जर्म्स को एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म की तक लेकर जाती है. सच एज व्हेन अ पर्सन विद फ्लू स्नीजेस, जैसे कि एक पर्सन है उसे फ्लू है, वो जब छींकता है, जर्म्स स्प्रेड इन द एयर, जर्म्स जो हैं वो हवा में फैल जाते हैं. दीज जर्म्स एंटर्स द लंग ऑफ द अदर पर्सन, यही जर्म्स जो हैं वो जो दूसरा पर्सन है उसके लंग्स में, फेफड़ों में चले जाते हैं ड्यूरिंग ब्रीथिंग, सांस लेने के दौरान. ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा हवा में होंगे जर्म्स, आप जैसे इसमें एक्सप्लेन किया गया, जैसे किसी पर्सन को फ्लू है तो वो छींकता है. ठीक है, छींकता है तो वो आप उसके सराउंडिंग में जो भी पर्सन होगा, ठीक है, तो वो जब सांस लेगा तो वो जर्म्स एयर के उसके लंग्स के थ्रू उसकी बॉडी में चले जाएंगे. नंबर टू, वाटर. माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर द बॉडी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंटर हो सकते होते हैं व्हेन वन ड्रिंक्स वाटर कंटेमिनेटेड विद माइक्रो ऑर्गेनिज्म. जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला पानी, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कंटेमिनेटेड आलूदा पानी पीता है, मैंने आपको जैसे बताया, अगर आपके पानी में ऑलरेडी बैक्टीरिया या वायरस प्रेजेंट है, तो आप अगर उस पानी को पियोगे तो वो वायरस और बैक्टीरिया आपकी बॉडी में चला जाएगा. फूड, कंटेमिनेटेड फूड इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. कंटेमिनेटेड जो फूड है वो भी सोर्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक सोर्स है. ठीक है, दैट एंटर द बॉडी एंड कॉज हार्म, जो बॉडी में एंटर होती है और नुकसान पहुंचाती है. एग्जैक्टली जैसे आप वाटर पानी पीते हो कंटेमिनेटेड, इसी तरह फूड खाते हो, तो एग्जैक्टली उसी तरह आपकी बॉडी में जब फूड जाती है कंटेमिनेटेड, तो वो क्या कॉज करती है? हार्म कॉज करती है, नुकसान पहुंचाती है. नेक्स्ट हेडिंग इज एनिमल्स. सम एनिमल्स सच एज फ्लाइज एंड मॉस्किटोज आर सोर्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू गेट एंटर्ड इन टू द बॉडी. समटाइम ये जो मक्खियाँ होती हैं, ठीक है, हाउस फ्लाइज जो होती हैं और मॉस्किटो जो मच्छर होते हैं, वो भी सोर्स हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के टू एंटर इन टू द बॉडी, बॉडी में एंटर करने के. अगर मलेरिया के एग्जाम्पल ले लें, मैंने मॉस्किटो की एग्जांपल ले लें. मॉस्किटो अगर इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करेगा, उसका ब्लड सक करेगा, और वही मॉस्किटो अगर हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा तो क्या करेगा? वो उसके अंदर इंजेक्ट करेगा अपनी इन्फेक्टेड नीडल. ठीक है, मॉस्किटो ऐसे करता है ना, बॉडी के अंदर अपनी नीडल इंजेक्ट करता है, तो वो जो कंटेमिनेटेड ब्लड उसने वहाँ से सक किया होगा, पिया होगा, तो वही कंटामिनेटेड नीडल जब दूसरे हेल्दी पर्सन की बॉडी में जाएगी तो वो उसे डिजीज़ कॉज करेगी, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं. इसी तरह फ्लाइज भी क्या करती हैं? जर्म्स कैरी करती हैं.
ठीक है, कट ऑन स्किन, स्किन पर कट, द कट्स एंड इंजरीज ऑन स्किन गिव अ गेट वे टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कट और इंजरीज, जख्म और जो कट्स हैं आपके जो स्किन पर हैं वो रास्ता देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को टू एंटर द बॉडी, बॉडी में एंटर होने का. ओके, दिस इज द वे बाय विच थ्रू विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर इन द ह्यूमन बॉडी, एयर, वाटर, फूड, एनिमल एंड कट ऑन द स्किन. नाउ टर्न द पेज हियर. फैक्ट्स टू रिमेंबर, कुछ चीज़ें जो हैं जो याद रखने के लिए हैं. मोस्ट फूड बॉर्न इलनेस आर कॉज्ड बाय हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म. फूड से रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं लाइक फूड पॉइजन, वो किसकी वजह से पैदा होती है? हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से. डैम हैंड स्प्रेड 1000 टाइम मोर जर्म्स देन ड्राई हैंड्स, आपके गीले हाथ 1000 गुना ज़्यादा जर्म्स स्प्रेड करते हैं, फैलाते हैं एज़ कम्पेयर टू सूखे हाथों के. ठीक है, माइक्रोब्स फर्स्ट अपीयर्ड ऑन द अर्थ अबाउट 4 बिलियन ईयर्स अगो. फर्स्ट माइक्रोब जो दुनिया में आया था, जाहिर हुआ था, वो कितने साल पहले हुआ था, कितने ईयर्स पहले हुआ था? 4 बिलियन ईयर्स पहले. ठीक है, मोस्ट माइक्रोब्स डू नॉट कॉज डिजीजेस, ज़्यादातर जो माइक्रोब्स हैं वो डिजीज कॉज नहीं करते. ओके, माइक्रोब्स जनरेट एट लीस्ट हाफ द ऑक्सीजन वी ब्रीथ, हमारे जो ऑक्सीजन है, ठीक है, हाफ जो एटलीस्ट हाफ हाफ ऑक्सीजन कौन प्रोड्यूस करता है? जो हम ब्रीथ करते हैं, जो हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन, वो हाफ से ज़्यादा ऑक्सीजन कौन प्रोड्यूस करता है? माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं. ओके, अर्थ फॉर्म आर इसेंशियल टू लाइफ, अर्थ फॉर्म जिंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. दे ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ते हैं एंड क्रिएट न्यूट्रिएंट्स, और न्यूट्रिएंट्स फॉर रिच एंड फर्टाइल सॉइल, और जरहेज सॉइल के लिए यानी कि सरहेज मिट्टी के लिए वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? न्यूट्रिएंट्स पैदा करते हैं. दैट इज़ नेसेसरी टू ग्रो फूड, जो कि खुराक उगाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो अर्थ वॉर्म आपने अगर देखा हो बहुत ज़्यादा हेल्थ, मतलब आपकी फूड की ग्रोथ के लिए बहुत, आपकी सॉइल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि ये डिग के मटेरियल खाते हैं और उसके जगह न्यूट्रिएंट प्रोड्यूस करते हैं जो कि सॉइल को फर्टाइल करती है, ठीक है, जरहेज करती है. हेयर इज वॉर्म हेल्प वाटर फ्लो थ्रू द सॉइल, वॉर्म हेल्प करते हैं वाटर को फ्लो करने में थ्रू द सॉइल. कैसे हेल्प करेंगे? इन्वेस्टिगेट करें तो मैं आपको बताती हूँ किस तरह. देखिए, वॉर्म्स आपकी जो है सॉइल को सॉफ्ट करते हैं, सॉइल को पोरस करते हैं. जब आप पानी डालोगे, ठीक है, अगर पानी सॉइल को पोरस नहीं करेंगे तो सॉइल आपस में क्लॉग हो जाएगी, उसमें पोर्स नहीं होंगे तो वाटर फ्लो नहीं कर सकेगा. तो सॉइल क्या करते हैं, सॉरी वॉर्म्स क्या करते हैं, ये वॉर्म्स टिके मटेरियल खाते हैं, उसके साथ साथ मिट्टी भी होती है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, सॉइल को पोरस करते हैं, तो जिसकी वजह से सॉइल में वाटर आराम से फ्लो कर जाते. देखिए, उन्होंने खाया, ठीक है, आपकी मिट्टी में रहते हैं वो, ठीक, तो वो स्पेसेस बना देते हैं, स्पेस प्लेसेस बना देते हैं इस तरह. तो वाटर आप ऊपर डालोगे तो आराम से वाटर मूव कर जाएगा. ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग. ये आज की रीडिंग है. आई एम गिविंग यू सम होमवर्क टास्क, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रीड द चैप्टर अगेन एंड यू हैव टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज नेम एनी थ्री, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 बाय रीडिंग द बुक. आपने क्या करना है, नेम एनी थ्री माइक्रो ऑर्गेनिज्म, 3 माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम लिखने हैं, अपनी बुक रीड करें, यू विल फाइंड 3 माइक्रो ऑर्गेनिज्म नेम इन योर बुक्स. ओके, नंबर 2, राइट द नेम ऑफ एनी 2 डिजीजेस कॉज बाय द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से जो डिजीज होती हैं, किसी भी 2 डिजीजेस का नाम लिखें. बैक्टीरिया के अंडर हेडिंग में भी आपको डिजीजेस बताए थे मैंने, फंगी के भी डिजीजेस बताए थे और वायरस के भी हैं. ठीक है, आउटलाइन 5 यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन आवर डेली लाइफ, हमारे बुक में मौजूद हैं 5 यूजेस लिखने हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो हम डेली लाइफ में इस्तेमाल कर रहे हैं. ओके, दिस इज योर टास्क टू डू टू कम्प्लीट. इंशाल्लाह वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर, आई विल टेल यू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड वी विल डू द कॉपी वर्क आफ्टर दैट. ओके, आज का लेक्चर यहीं तक, इंशाल्लाह वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन, अल्लाह हाफिज़, फी अमानल्लाह.